पुनः कहती हूँ अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन ना पाए हो, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है, पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूँ हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत माँ की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय, ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी, गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है, सारी बातें करूंगी, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है, उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी, 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलीव सलीव गली। पुनः कहती हूँ रलीव सलीव गलीव, आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले, रलीव सलीव गलीव। या तो अपना धर्म बदलो, या कश्मीर छोड़ो, या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है, उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना। मैं आज कहती हूँ इन्होंने कहा अश्रुभ है, भ्रमण किया 84 के दौरान में, मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं
त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़क कर उसको आग लगा दी गई। और आज भारत की बात करते हैं, कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का, 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से, उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलीव सलीव गलीव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। आज कई यहां पर बहनें उपस्थित हैं जो वहां से अपनी आक्रोश को और राहुल जी के प्रति समर्थन को व्यक्त कर रही है। 84 के दंगों का विवरण सुनकर, गिरिजा टिक्कू का विवरण सुनकर, और मैंने स्वयं अध्यक्ष जी मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात कर त्वरित रूप से वहां पर लोग पकड़े जाएं, ना सिर्फ इसका वहां पर निवेदन किया बल्कि वो लोग पकड़े गए, सीबीआई की इंक्वायरी जारी है।